फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये हम लोगों को मैसेज मिला है और यही मैसेज जब हम लॉग इन किए हैं आईडी, सो ये उसका मैसेज है, ठीक है। उसमें साफ साफ बताया गया कि योर एडमिन कैन मॉनिटर एंड मैनेज योर सेटिंग कॉर्पोरेट एक्सेस एप्स परमिशन एंड थेफ्ट प्रोटेक्शन, मींस ओवरऑल एक्टिविटीज अंडर कंट्रोल रहेंगी आईटी सेक्शंस के, क्योंकि फोन को रेगुलेट कर सकते हैं और कभी भी डाटा इरेज कर सकते हैं, तो एक प्रॉब्लम है ही है। नॉर्मल फोन इसमें चलाएंगे सारी चीजें अपनी, जो फेसबुक, इंस्टा और, हाँ सर, ये एक डर तो है ही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी सरकार ने तकरीबन 1,00,000 विद्यार्थियों को टैबलेट और मोबाइल दिए। वो टैबलेट और मोबाइल ऐसे बच्चों को दिए गए हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी शिक्षण संस्थान में है। हम उनके बीच में पहुंचे हैं इस समय और उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो किस तरीके के मोबाइल और टैबलेट्स हैं और किस तरीके से वो उसको यूज कर पा रहे हैं। इस समय हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और वहाँ के विद्यार्थियों से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र त्रिपाठी है। ये बताइए कि आप क्या पढ़ाई करते हैं? मैं एमएससी केमिस्ट्री का 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूं और यूनिवर्सिटी कैंपस का स्टूडेंट हूं। आपको ये टैबलेट मिला है, क्या है इस टैबलेट में? ये टैबलेट्स जो है उस दिन 25 को जो फर्स्ट फेज में गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, 1,00,000 बच्चों को स्टेडियम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसमें मेरा फर्स्ट फेज में नाम था। तो मुझे और मेरे सारे बैचमेट्स को उसी दिन टैबलेट्स मिले और कुछ बच्चों को यूजी के उनको स्मार्टफोन मिले। और इस टैबलेट से हम लोगों को मिलने से काफी फायदा है, पढ़ाई में इससे काफी लाभ मिलेगा। जो हम लोग अभी तक मोबाइल के छोटे डिस्प्ले में चीजें देख रहे थे, अब हम उसको बड़े व्यू में और आसानी से पढ़ पाएंगे। और कुछ इसमें ड्रॉबैक्स भी हैं जो कि हमारी सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। जैसे कि हम लोग इसको लॉग इन किए हैं तो सबसे पहले तो हम लोगों का जो होम पेज है उसके लिए देखिए, होम पेज पे परमानेंट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये किसी भी तरह से आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये परमानेंट होम पेज आपका लगा ही रहेगा। और वॉलपेपर नहीं लगा सकते, कोई दूसरा पेपर लगा ही नहीं सकते, वॉलपेपर बिल्कुल नहीं चेंज हो सकता। और चेंज करने के ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पे सिक्योरिटी इशू बता के बंद कर देता है, बट चेंज नहीं होगा कुछ भी। और जब इसको हम लोग नेट से कनेक्ट किए, लॉग इन किए, तो सारा डेटा उसमें सबसे पहले ही दिखा दिया गया कि हम लोग का जो भी डेटा इसमें कनेक्ट हो रहा है वो पर्सनल डेटा नहीं होगा, उसको एडमिन कंट्रोल करेगा। और एडमिन कोई नहीं, वो आईटी सेल है। और उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि योर एडमिन कैन मॉनिटर एंड मैनेज सेटिंग। ये हम लोगों को मैसेज मिला है और यही मैसेज जब हम लॉग इन किए हैं आईडी, सो ये उसका मैसेज है, ठीक है। उसमें साफ साफ बताया गया कि योर एडमिन कैन मॉनिटर एंड मैनेज योर सेटिंग कॉर्पोरेट एक्सेस एप्स परमिशन एंड थेफ्ट प्रोटेक्शन, मींस ओवरऑल एक्टिविटीज अंडर कंट्रोल्ड रहेंगी आईटी सेक्शंस के। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा ड्रॉबैक्स है इसके लिए, ये ना होता तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इसमें और ये भी बताया गया कि आईटी एडमिन कैन एनी टाइम इरेज एनी डाटा और होल्ड डाटा, सो ये गलत है। तो ये मेरे हिसाब, आप इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब यूज कर पा रहे हैं? नहीं, अभी तो मैंने इंस्टॉल नहीं किया, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो कर रहे हैं। आपने इंस्टॉल क्यों नहीं किया? नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं किया। मैं ये मेरे फ्रेंड का टैब है जिसमें ये सारी सिक्योरिटी पर्पस देख लिया हूँ, तो इसलिए मैंने उसका है। और ये मेरा खुद का है जिसमें अभी मैंने कुछ लॉग इन नहीं किया है, ठीक है। सो अभी मैंने किया नहीं, बट मेरे पास अभी टाइम भी नहीं मिला है और मैं करूंगा। ऐसा नहीं, कुछ लोग उसमें यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, सारी चीजें चल रही हैं और अच्छी भी चल रही है। आप बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शुभम है, मैं बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। आपको क्या मिला है? सर मुझे मोबाइल मिला है। क्या इसके आपको फायदे और ड्रॉबैक्स हैं? सर बेसिकली जो चीजें टैबलेट में है वही चीजें मोबाइल में भी है, बस मोबाइल ये यूजी वाले कोर्सेज को दी गई है और टैबलेट पीजी कोर्सेज को दिए गए हैं। मोबाइल में सेम चीजें हैं, वो भी वीपीएन इसमें भी अवेलेबल है जो कि एडमिन इसको रेगुलेट कर सकते हैं, सेम चीजें इसमें भी हैं, बस ज्यादा अंतर नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या है चीजें कि नॉर्मल फोन जैसे आप लोग लेते हैं वैसा है कि कुछ चेंजेस है? नहीं सर, बेसिकली चीजें सब चीज सेम है, बस थोड़ा बहुत वीपीएन वगैरह का इश्यू है, बाकी और ज्यादा कुछ चीजें चेंजेस नहीं, बाकी सब चीज कॉमन ही है। ओके ओके, तो अभी आपको कितना अंतर लग रहा है इसमें, चूंकि और नॉर्मल फोन भी आप यूज करते होंगे, आपको कितना अंतर लगता है? सर ज्यादा कुछ अंतर नहीं, क्योंकि फोन तो कॉमन ही है, बाकी फोन कई कंपनीज के आते हैं तो फोन में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं। सिक्योरिटी पर्पस से? सिक्योरिटी पर्पस वही है कि सर क्योंकि फोन को रेगुलेट कर सकते हैं और कभी भी डाटा इरेज कर सकते हैं, तो एक प्रॉब्लम है ही है। नॉर्मल फोन इसमें चलाएंगे सारी चीजें अपनी, जो फेसबुक, इंस्टा और? हाँ सर, ये एक डर तो है ही है इसके लिए, तो आप अलग फोन रखेंगे? क्योंकि सर एक स्टूडेंट के लिए दो फोन रखना एक साथ बहुत मुश्किल है, क्योंकि डबल रिचार्ज और सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए दो फोन रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये एक प्रॉब्लम जरूर है। कि क्योंकि एक हम क्या करना चाह रहे हैं उसकी वो प्रॉब्लम रहेगा।
हम हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे स्कॉलर हैं जो थोड़ी टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखते हैं, उनसे भी हम पूछते हैं आखिर ये बेसिकली क्या है इसमें और किस तरीके की, इन्होंने बहुत सारे जो टैप्स हैं फोन्स हैं डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं, लोगों को वन टू वन दिया भी है, मैपिंग भी क्या सारी चीजें हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमजीत है और मैं फिजिक्स का रिसर्च स्कॉलर हूँ। सबसे पहले ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है तो ये कई बच्चों को बहुत सारे लाभ देगी, और जैसे कि इन बच्चों ने कहा कि इससे एक गवर्नमेंट मॉनिटर कर रहा है, तो इनको ऐसे डरने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट मॉनिटर कर रहा है, आपका डाटा बिल्कुल सेफ रहेगा, लेकिन फिर भी आप कोई भी ऐसी चीज करें जो गवर्नमेंट के लिए हार्मफुल हो तो उसका तो मॉनिटरिंग। मैं चाहूंगा आपसे कि आखिर है क्या बेसिकली इसमें टैब में, एक मिनट आप मुझे दीजिए वाला, आप ये जो टैब है आप किस तरीके से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं? सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने इसको QR कोड से सभी बच्चों को लिंक कर दिया है। जैसे आप ये देखिए, ये जैसे यहाँ पे QR कोड है, तो यहाँ जब आप स्कैन करेंगे तो बच्चों की पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे ये देवेंद्र त्रिपाठी जी हैं थर्ड सेमिस्टर के हैं, तो जब आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपके पास पूरा डाटा आ जाएगा कि ये बच्चा है, ये केमिस्ट्री का है, कि जैसे ये बच्चा केमिस्ट्री का है और इसको केमिस्ट्री में आगे क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो यूपी डेस्को से जो केमिस्ट्री की टीम है तो वो इनको वो उस टाइप की नोटिफिकेशन भेजती रहेगी, या जैसे उस टाइप का जो मटेरियल है आगे नेट का मटेरियल, CSIR का मटेरियल या कोई कम्पिटेटिव पेपर का, तो इनके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे जिससे ये बच्चे इजिली अवेलेबल नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। और अंदर अगर हम बात करें टैब के इसके, तो अंदर क्या क्या चीजें हैं जो जैसे सिक्योरिटी पर्पज से, या आप लोगों जब दिए तो मैपिंग करके दिए, वो मैपिंग का क्या सिस्टम है? हाँ, इसमें हर फोन को या हर टैब को बिल्कुल मैप किया है हर बच्चे के साथ, उसके साथ उसको जोड़ा हुआ है। जैसे सपोज इनका फोन कहीं गुम हो जाता है और वो किसी को मिल जाता है और IME नंबर के साथ इनका लिंक हो है, तो ये वो वाला बच्चा इसको यूज नहीं कर सकेगा, क्योंकि जब वो लॉगिन करेगा तो ये लॉगिन एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि यूपी डेस्को में इस बच्चे का लॉगिन होगा और अगर कोई नया लॉगिन आएगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फोन फंक्शन नहीं करेगा। तो इससे एक बेनिफिट है कि ना तो फोन या टैब की चोरी हो सकती है, और अगर चोरी हो भी तो इनको वापस मिल जाएगा क्योंकि वो चला नहीं पाएगा। अगर हम ड्रॉबैक बात करें तो इसमें क्या सोशल मीडिया जो साइट्स होती हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या इसके अलावा और भी जो सोशल साइट्स हैं, उसको क्या स्मूथली चलाया जा सकता है इसमें? हाँ, स्मूथली चलाया जा सकता, बस गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करती रहेगी। जैसे कोई ऐसी चीज ना आपकी अपलोड हो जो गवर्नमेंट या कोई देश के लिए ऐसे डेंजरस हो, अदरवाइज आप स्मूथली चला सकते हैं। जैसे एक बच्चे ने कहा कि इसका वॉलपेपर जो है, तो वॉलपेपर की एक दिक्कत है कि एक परमानेंट वॉलपेपर उन्होंने लगा लिया है, तो वॉलपेपर चेंज नहीं हो सकता, अदरवाइज जैसे बाकी वाले फोन्स हैं या टैबलेट फंक्शन करेंगे तो वो सब फंक्शन होगा इस टैबलेट में। जी सर, बेसिकली अगर इस स्कीम के बारे में कुछ कहा जाए तो जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है लोगों को एम्पावर करना, वो ये फोन बखूबी कर सकता है, क्योंकि मेनली जो है इंटरनेट यूज करना, आपको डाटा क्या पढ़ना है, मटेरियल यूज करना, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, मतलब तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स को दिया गया उसके लिए फोन बेस्ट है। बाकी कुछ ड्रॉबैक, वॉलपेपर नहीं हट सकते, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, वो उससे ज्यादा मैटर नहीं करता, बाकी लोग जो रखना चाहें अदर फोन रख सकते हैं, बट एक स्टूडेंट के लिए दो फोन रखना ये मुश्किल बात है। आपको मैप्ड किया जा रहा है, अगर वो कितना आप मानते हैं सही है, आपको मॉनिटर किया जा रहा है, आपको एक तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन ले जानी, मैप्ड करना ही थोड़ा, मतलब क्या कहा जाए इसको, मतलब थोड़ा सा ये वो तो है ही, इशू तो है ही है कि मतलब डाटा जो हम सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये देखा गवर्नमेंट कोई देख रहा है तो थोड़ा डर तो रहता ही है, ये एक इशू है, मतलब इस पे वो होना चाहिए कुछ काम। बाकी ओवरऑल स्कीम अगर हम स्टूडेंट्स के लिए बोले, मतलब जिनको भी मिला है और जिनको मिलेगा या जिनके पास ये रिसोर्स नहीं है, तो बहुत अच्छा स्कीम है। थैंक यू। तो ये वो विद्यार्थी हैं और हमने स्कॉलर से भी बात की है, साफ तौर से मानना है कि जो टैबलेट और फोन दिया गया है वो पूरी तरीके से मैप्ड है QR कोड से, और जिसको ये लोग अपने यूज कर सकते स्टडी के लिए, चूंकि गवर्नमेंट जितने भी स्टडी मटेरियल्स होती है वो सभी इस टैब पे या मोबाइल के थ्रू कनेक्ट करेगी। हालांकि ये अभी विद्यार्थी अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं, चूंकि उनका मानना है कि ये ट्रैक किया जा रहा है जिस तरीके से, तो हमारी सारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर हो सकती है। तो ऐसे में अभी उस फोन के साथ बहुत ज्यादा पर्सनल होने में विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही है। हालांकि स्कीम अच्छी है, जिस तरीके से स्टडी के लिए यूज करना है उसकी अगर हम बात करें तो इनका साफ तौर से मानना है कि ये पढ़ाई के पर्पज से बहुत अच्छा है और उतना ही कंट्रोल है, अगर हम पढ़ाई के पर्पज से यूज करते हैं तो ये हमारे लिए एज फॉर एज गुड है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव,
यूपी तक।